नमस्कार दोस्तों, अगले कुछ वीडियोस में आप विजुअल्स की जगह पे फोटोग्राफ्स देखेंगे और वीडियो में जो संदेश देना है या जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुनेंगे। ये करने के पीछे हमारा ये मकसद है कि हम लोगों में लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। और तो और, हम गवर्नमेंट की सराहना करते हैं कि जो लॉकडाउन के लिए इतने आग्रही है और उन्होंने सही समय रहते ये कदम उठाया है। हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में अपनी जान खतरे में डाल के हम सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और बाकी सारे वह लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। और एक मकसद इस तरह से वीडियो बनाने का ये भी होगा कि लॉकडाउन में हमारे स्क्रीन टाइम्स यानी जो एवरेज ड्यूरेशन हम अपनी मोबाइल या टीवी स्क्रीन पे देखने के लिए यूज़ करते हैं वो बढ़ चुके हैं। सो हमारे इन वीडियोस को आप बिना देखे सुन सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी आँखों को भी आराम दे सकते हैं। सो दोस्तों, आप हमें हमारे इस प्रयोग में सफलता देंगे, हमें यही आशा है। और आगे के सारे वीडियोस आप एंजॉय कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेट पेरेंटिंग या पेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम आगे अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मकरंद दीक्षित और मैं प्रोप्राइटर हूँ रियल केयर स्मॉल एनिमल क्लिनिक नागपुर का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं COVID-19 को रोकने के लिए, इस चेन को ब्रेक करने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है, इस ड्यूरेशन में अपने पेट्स का मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के पीरियड में जैसे हमारी दिनचर्या बदल चुकी है, उसी तरह आपके पेट्स की दिनचर्या भी बदल चुकी है। सो इस बदलाव को अच्छे से हैंडल करने के लिए किन किन प्रैक्टिकल चीज़ों का अपने ध्यान रखना चाहिए, ये हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो यह है कि अब तक कोई भी कन्फर्म्ड रिपोर्ट ये नहीं आई है जिससे ये पता चले कि आपके पेट्स से आपको कोरोना वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या पेट्स में कोरोना वायरल इन्फेक्शन के कन्फर्म केसेस की जांच अभी तक नहीं हुई है। सो आपने डरने की कोई बात नहीं है और पैनिक होने की बात नहीं है। आप अपने पेट्स को उसी तरह से प्यार करते रहिए जिस तरह से आप अब तक उनको प्यार करते आए हैं। उन्हें अबेंडन करने का या उन्हें छोड़ने का बिल्कुल विचार दिमाग में मत लाइए, क्योंकि ऐसा करना किसी भी मूल्य से उचित नहीं होगा। सो चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनके सॉल्यूशंस जानने की कोशिश करते हैं जो आपको फेस हो रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। सो सबसे पहली प्रॉब्लम जो पेट ओनर्स फेस कर रहे हैं वो है कि अपने पेट्स को एक्सरसाइज कैसे दें। आप सभी को यह मालूम है कि अपने पेट्स को एक्सरसाइज देना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास डॉग्स है और उनमें अगर आपके पास में लार्ज ब्रीड डॉग्स है जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर, डॉबरमैन, ग्रेट डेन, रॉटवाइलर्स एक्सेट्रा, तो उनकी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज आपके पेट्स को ना ही सिर्फ फिजिकली फिट रखता है बट ऑल्सो उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप आपके पेट्स के बिहेवियर में भी चेंजेस नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपका एंग्जाइटी, फियर या टेंशन महसूस कर सकते हैं और उनका भी लाइफस्टाइल आज बदल चुका है। सो अगर आपके पास में लार्ज ब्रीड डॉग्स है और आप उनको एक्सरसाइज कराना चाहते हैं तो हम आपको यह सलाह देंगे कि आप अपने घर का टेरेस का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप आपके पेट्स को वहाँ पे अच्छी तरह से खेलने को लगाएं, यूज़ करें बॉल्स, कोई टॉयज़ और उनको वहाँ पे दौड़ाएं अपने गाइडेंस में डेफिनेटली, एंड आप उनकी एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना अपने घर से बाहर निकले हुए। सेकेंडली, अगर आपका घर है
और आपके पास में अच्छा बड़ा आंगन या गार्डन है तो आप उसे यूज कर सकते हैं अपने पेट को एक्सरसाइज देने के लिए। थर्डली, अगर आप कोई बड़ी सोसाइटी में रहते हैं तो आप सोसाइटी में जो कॉमन एरियाज होते हैं जैसे पार्क्स होते हैं तो उनको एक प्रॉपर परमिशन के बाद यूज कर सकते हैं अपने पेट्स को एक्सरसाइज करवाने के लिए। आप पेट्स को दौड़ा सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, बॉल खेल सकते हैं, फेच आप खेल सकते हैं, सो दैट उनको एक्सरसाइज की कमी ना हो। सोसाइटी में या अपने पेट्स को एक्सरसाइज देते वक्त अगर वो यूरिन या डेफिकेशन करते हैं ओपन में तो ये एज अ एजुकेटेड पेट पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे क्लीन करना और उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना सो दैट वो कोई इन्फेक्शन बाहर ना फैलाए। अगर आपके पास में स्मॉल ब्रीड या टॉय ब्रीड डॉग्स है या कैट्स है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप उनको घर के घर में ही एक्सरसाइज दे सकते हैं। स्मॉल ब्रीड या टॉय ब्रीड्स में जैसे पग्स आते हैं, शिट्ज़ू है, लासा एप्सो है, चुआउआज है, पोमेरेनियंस है, स्पिट्स है, तो इन सब डॉग्स को या छोटे पपीज है कोई भी ब्रीड के तो आप इनको घर के घर में ही एक्सरसाइज दे सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं और उनको खुश रख सकते हैं। पॉटी ट्रेनिंग जिन डॉग्स को हुई है बाहर, घर के बाहर पॉटी करने के लिए, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा नए एनवायरनमेंट में एकस्टम होने के लिए, यूज्ड टू होने के लिए, लेकिन आप उनको सपोर्ट करें और अगर घर पे एक्सीडेंटली यूरिनेशन या पॉटी होती है तो आप उनको डांटे नहीं बट उनको प्यार से समझाएं और ट्रेन करने की कोशिश करें, ये हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास बाकी कोई पेट्स है जैसे कि रैबिट, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स तो उनको भी आपने एक्सरसाइज करवाना चाहिए। उनके अटैचमेंट, उनके जो केजेस है उनमें स्पेशल अटैचमेंट्स आते हैं एक्सरसाइज के लिए, जैसे बर्ड्स के लिए झूले आएंगे, देर आर सम काइंड ऑफ टॉयज, रोप्स आप उनमें लगा सकते हैं बर्ड्स के लिए, हैमस्टर्स गिनी पिग्स के इंक्लोजर्स के लिए एक्सरसाइजिंग व्हील्स आते हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हैं अपने छोटे पेट्स को, एग्जॉटिक पेट्स को एक्सरसाइज करवाने के लिए। और अगर वो बाहर यानी पिंजरे के बाहर आपके घर में खुला घूमने के आदी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको एक कमरे में ले जाके उनके साथ खेल के भी उनको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अभी नेक्स्ट चीज जिस पे हम बात करने वाले वो है पेट हाइजीन की, पेट हाइजीन पे। सो पेट हाइजीन क्या होता है? पेट हाइजीन में बेसिकली उनके सारे ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस आते हैं और उनसे रिलेटेड जितना भी क्लीनलीनेस है वो सारा आता है। सो हम एक एक करके बात करेंगे। अभी सबसे पहले अगर आप अपने पेट्स को बाहर वॉक कराने ले जाते हैं तो वापस आने के बाद में, या अपने डॉग्स को आप वॉक करा के लाते हैं तो वापस आने के बाद में उनके फीट को जरूर आप अच्छे से धोइए। अपने डॉग शैम्पू का एक घोल बना के उसमें, उससे आप अपने डॉग के फीट को धो सकते हैं। उसके बाद में आप अपने उसके एकदम वाइप आउट करना है, ड्राई करना है एंड उसको क्लीन करना है। इससे बाहर के डर्ट डस्ट आपके घर में नहीं आएंगे एंड आप सेफ रहेंगे बाहरी इन्फेक्शन से। सेकेंडली, आपने आपके पेट्स का जो भी यूज किया हुआ मटेरियल है जैसे कि क्लोथ्स है, उनके बेड्स है, टॉयज है, रग्स है, उन्हें आपने अच्छे से क्लीन कर रखना है। उन्हें 2 दिन में कम, 3 से 4 दिन में से कम 2 या 3 बार धोना है, सैनिटाइज करना है। आप उसके लिए सैनिटाइजर्स या डेटॉल, सेवलॉन जैसी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें आप क्लीन रखिए सो दैट वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना बने आपके पेट्स के लिए और आपके लिए। अगर आपके पास डॉग्स है तो आप उन्हें हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार नहलाएं। उसका कारण यह है कि नहलाने का कोई गोल्डन रूल नहीं है बट आप आपके पेट्स का कोट हमेशा क्लीन, नीट एंड टाइडी रखें। उसके बाद में अगर आपके पास डॉग या कैट्स है और अगर वो शेडिंग कर रहे हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं तो उन्हें रेगुलर ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो रिक्वायर्ड ब्रश है अपने डॉक्टर से डेफिनेटली पूछिए किस प्रकार का ब्रश आपने आपके पास होना चाहिए ग्रूमिंग करने के लिए, तो वो उस काइंड ऑफ ब्रश को आप लेके अपने पेट्स को दिन में कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से ब्रश करें, उनका हेयर कोट, उनको ग्रूम करें सो दैट जो लूज हेयर्स होते हैं वो घर के बाहर या जब आप ग्रूमिंग करते हैं तब निकल जाए और घर में ना फैले। उसके बाद में अगर एक्सेसिव शेडिंग आपको लग रहा है कि आपके पेट्स को एक्सेसिव शेडिंग हो रहा है और वो ग्रूमिंग से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने वेटरनरी डॉक्टर से आप जरूर
सलाह ले, उनकी उनकी राय ले। कुछ मेडिसिंस या कुछ सप्लीमेंटेशन से अगर वो कंट्रोल हो जाता है तो इट इज़ ऑलवेज गुड। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आपके पेट्स के फीडिंग एंड वाटरिंग बाउल्स, आपके पास कोई भी पेट हो उसका फीडिंग एंड वाटरिंग बाउल को हमेशा क्लीन रखें। उन्हें दिन में कम से कम एक या दो बार जरूर धोए एंड डिसइन्फेक्ट करें, सो दैट वो कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना बने आपके पेट्स के लिए। आपके पेट के बाउल में कभी भी खाना रखे मत छोड़े उसे, जैसे आपने रख दिया है सुबह और शाम तक वो वही पड़ा है, तो ऐसा कभी मत कीजिए क्योंकि वो फूड खराब हो जाता है और उसमें ही बैक्टीरियल ग्रोथ चालू हो जाती है और वो बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाता है। एंड अगर आपका पेट ऐसा फूड कंज्यूम करता है तो उसका पेट खराब होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। उसी तरह से अगर आप वाटर बाउल्स में पानी छोड़ देते हैं तो उसमें पानी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, आपका पेट पानी पिएगा नहीं, वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, और तो और अगर उसमें कुछ कचरा गिरता है तो वो पानी भी खराब हो जाएगा और डेट विल बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपके पेट के लिए। सो दिन में दो या तीन बार पानी जरूर बदले, 24 आवर्स सप्लाई अपने पेट्स को क्लीन फ्रेश एंड एक नॉर्मल टेम्परेचर के पोर्टेबल वाटर का होना चाहिए, सो एज टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अब बात करते हैं आपके पेट के डाइट के बारे में। सो इस लॉकडाउन के पीरियड में जैसे कि आपको मालूम है कि आपके पेट्स का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है, उनकी एक्सरसाइज कम हो गई है, तो आपने उस हिसाब से अपने पेट का डाइट चेंज करना चाहिए। आपके पेट का डाइट, उसमें का कैलोरी जो आउटपुट है वो आपके पेट के रेगुलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या उनका जो स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको डेफिनेटली मीट करना चाहिए। अगर आपका पेट्स को कोई बीमारी है, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी डिसऑर्डर है, या फिर वो डायबिटीज से सफ़र कर रहा है, या वो एकदम पपी है, या इट्स एन ओल्ड एनिमल, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल है आपके पास में आपके पेट में, तो डेफिनेटली ये सारे जो चेंजेस है बॉडी में या इन इन इस ड्यूरेशन में लगने वाले स्पेशल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की तरफ से तरफ आपने ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर का जरूर सलाह लें या आप हमसे बात कर सकते हैं इस बारे में। अगर आपके पास एग्जॉटिक एनिमल्स है तो ये बहुत अच्छा समय है आपको उनकी हैबिट्स ऑब्जर्व करने का, एंड आप उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अगर आपका पेट कम खाना खा रहा है या कुछ एबनॉर्मलिटी है फीडिंग में तो आप डेफिनेटली अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो अपने हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है पर्सनल हाइजीन के लिए, सो उसी तरह से आप अपने पेट्स के साथ में जब खेलते हैं उसके बाद में अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोए, अपने नेल्स ट्रिम रखे, अपने कपड़े जो आप बाहर पहन के जाते हैं वो घर आने के बाद डेफिनेटली उसको वॉशिंग मशीन या डिटर्जेंट में अच्छे से धो ले। उसके बाद में आप अपने पेट्स का फेस लिकिंग या फेस किसिंग जो बोलते हैं उसे अवॉइड करें। आपके पेट्स अगर आपके बेड पे सोते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि उसे अपने सोने के लिए अलग सी जगह प्रोवाइड करें, एंड उसके बाद में उनका खाना अपने यहाँ के छोटे बच्चे जो होते हैं गलती से भी शेयर ना हो, इसे आप ध्यान रखें। ये थी कुछ कॉमन चीज़ें जो आपने अपने लॉकडाउन पीरियड में अपने पेट्स के साथ में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मैनेजमेंट पेट प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको एक और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दिस लॉकडाउन जो पीरियड है ये सारे लोगों के लिए स्ट्रेसफुल है, क्योंकि काम आपका काफ़ी लोगों का बंद हो चुका है, इनकम कम हो चुकी है, एंड थोड़ा स्ट्रेसफुल पेज ये जरूर सभी इंसानों के लिए है, लेकिन जिनके पास पेट्स है उनके लिए वो एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि पेट्स आपको मॉरली बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। आप खुद ही एक्सपीरियंस किए होंगे कि अगर आप थक के आए हैं तो आप अपने पेट डॉग का वैगिंग टेल देख के आप कितना खुश हो जाते हैं, वो स्ट्रेसफुल थॉट्स जो है वो आपके दिमाग से निकल जाती है। तो हम आपको ये कहेंगे कि ये लॉकडाउन पीरियड में आप अपने पेट्स के साथ में भरपूर टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बढ़िया खेलें, उनका ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, एक क्वालिटी फैमिली टाइम आप स्पेंड करें, एंड टुगेदर ये लॉकडाउन में घर में रह के आप बाहर ना निकल के गवर्नमेंट एडवाइजरी को फॉलो करके कोरोना वायरस या कोविड के इस प्रकोप को कंट्रोल कर सकते हैं, चेन ब्रेक डेफिनेटली कर सकते हैं और आप आपका योगदान दे सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
कोई कमेंट्स होंगे तो हमको कमेंट बॉक्स में उन्हें देखने में बड़ा आनंद आएगा और हम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.